हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर विशाल सर और आप देख रहे हैं मिस्टर विशाल सर की क्लास। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि घर बैठे आपकी इंग्लिश कैसे स्ट्रांग हो, आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कैसे पूरी हो और विदाउट सेंटेंसेस यानी विदाउट इंग्लिश यू कांट डू नथिंग। आजकल की लाइफ में अगर आप बहुत सारे सब्जेक्ट को केयर करते हैं बट इंग्लिश को आप इग्नोर करते हैं तो वेरी बिग प्रॉब्लम्स है, क्योंकि विदाउट इंग्लिश यू कांट डू नथिंग। English is an international language. तो English speaking course को सीखने के लिए मैं आपको जैसा कि regular video दे रहा हूँ, और आज की इस video में मैं आपके लिए verb की video लाया हूँ, और इस verb की video में जो आज मैं आपके बहुत सारे ऐसे verb complete जब तक नहीं होंगे, यानी बिना verb के आप कोई sentence पूरा नहीं कर सकते हैं, कोई tense पूरा नहीं कर सकते, कोई narrations नहीं बन सकता, यानी चाहे वो आप पे competition की तैयारियां कर रहे हैं या किसी भी क्लास में पढ़ रही है, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ब के लास्ट वीडियो दे रहा हूँ, और इससे पहले 4-5 वीडियो में आपको ट्रिक से सीखने का प्रयास करवा रहा हूँ, ताकि ऐसे क्या होता है ना गाइस कि बहुत सारे कोचिंगों में, क्लासों में या बहुत सारे ऐसे बुकों में वर्ब तो दिए रहते हैं लेकिन A to Z तक ABC कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टीचर लोग इसे रटाते हैं। लेकिन आज ऐसे काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, और ऐसी वीडियो को देखने के बाद आपको वर्ब की और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, ना आपको कुछ रटना है, बस कुछ ऐसे सम ट्रिक आपको ने प्रयोग कर लिया तो आपको कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं वर्ब की लास्ट वीडियो बना रहा हूं, और जैसा कि मैं आपको इसके बाद आपके बहुत सारे सेंटेंसेस, लंबा हो, बड़ा हो या तूफान हो, कोई भी सेंटेंस आप चुटकियों में बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में डे बाय डे मैं जो क्लास दे रहा हूँ 10 डे तक, आज 11 डे की क्लास है, और इस 11 डे की क्लास में मैं आपकी लास्ट वीडियो भर के लाया हूँ। इससे पहले 4-5 वीडियो मैं भर के दे चुका हूँ, उसे जाके फिनिश कीजिए, कॉपियां लिखने में चालू कीजिए, डायरी बनाइए और सब चीज को नोट कर लीजिए। और जैसा कि माना जाता है ना कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, आई नो कि सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बट इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्या होता है कि विदाउट इंग्लिश यू कांट डू नथिंग एनीवेयर, ठीक है ना। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश, यानी जब तक आप इंग्लिश पर केयर नहीं करते आपकी इंग्लिश बहुत ही वीक है। तो आप इसे जल्दी से डे बाय डे की क्लास की पूरा कीजिए और डायरियों में नोट कीजिए। और आज मैं वर्ब की लास्ट वीडियो दे रहा हूँ, इसके बाद जो नए नए सेंटेंस आप सीखने वाले हैं, तो जब तक आपकी वर्ब क्लियर नहीं हो पाएगी तो आप सेंटेंस को कैसे कर सकते हैं। तो विदाउट वर्ब यू कांट डू नथिंग एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तो नेवर एवर फॉर एवर कभी मत भूलिएगा। और ऐसे पिछले की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे टिक दे दिया, उसे जल्दी कंप्लीट कीजिए, डायरियों में नोट कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और एक जल्दी सा लाइक का नीचे बटन दिख रहा है, उसे जल्दी से आप लाइक क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद में क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, आपने लाइक कर दिया होगा, थैंक यू। डियर गाइस, यदि आप मुझे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं ना, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलर क्लास नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी और आप उसे ऑलरेडी कंप्लीट कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। तो आज मैं जो वर्ब की वीडियो लाया हूं, मैं आपकी छोटी छोटी वीडियो से इंग्लिश सिखा रहा हूं, एटलीस्ट 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट, इतनी सारी आप तो क्लास तो दे सकते हैं ना। आप अपना टाइम इन्वेस्ट जहां तहां जो करते हैं, आप पढ़ाई पे फोकस मारिए, आपकी लाइफ मीन्स ब्राइटनेस आ जाएगी। तो आइए, आज मैं आपके लिए वर्ब के क्या वो ट्रिक है, आज मैं आपके लिए बहुत सारे ट्रिक जो निचले की पिछले की वीडियो मैंने आपको पढ़ा दिया हूं, लेकिन आज की वीडियो आपके लिए ज्यादा खास है। मैं आपको पूरा डिक्शनरी से छाट के मैं इस वीडियो को बनाया हूं, और इससे वर्ब आपके क्लियर हो जाते हैं। तो आज आइए हम इस वीडियो पर ध्यान देते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब यानी ट्रिक। आज मैं ट्रिक में जो बताने वाला हूं रेगुलर, आज मैं आपको रेगुलर वाला वर्ब बताने वाला हूं कि रेगुलर वर्ब कौन कौन होते हैं। तो डियर गाइज, एक्चुअली हम जानते हैं कि रेगुलर वर्ब ऐसे कितने जो सेम होता है, ओके, V1 to V वही होता है, V2 भी वही होता है, V3 भी वही होता है। तो आइए सबसे पहले मैं टोटल 9 छाट के ला रहा हूँ, 10वां नहीं है आपके डिक्शनरी में, ओके। तो अगर कोई भी ऐसा है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करके बताइएगा, ओके। आइए हम जानते हैं, मैं आपके लिए टोटली छाट करके लाऊ, पहले आइए हिंदी का मतलब समझते हैं। पहला शर्त, शर्त को इंग्लिश में बेट कहते हैं, आप कहीं भी आपको इजी याद करवा देता हूँ मैं आपको भी नहीं, जब भी आप किसी से शर्त लगाते हैं, वेट लगाते हैं, तो इंग्लिश में आप याद रखिए शर्त लगाने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वेट किया, वेट कहा जाता है। दूसरी वर्ड्स है कीमत, यानी आप कीमत को इंग्लिश में कॉस्ट कहते हैं, ओके। तो कॉस्ट जैसे बोलता है कि व्हाट इज दिस कॉस्ट या हाउ मच इज कॉस्ट, इसकी कीमत क्या है, तो आपको कॉस्ट का मतलब आपको याद ही हो गया कि आप जितना हो कि इंग्लिश का प्रयोग करें। एक्चुअली क्या होता है कि सुबह से शाम तक सभी स्टूडेंट पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन किसकी पोजिशन कहा है यू डोंट नो,
तो आइए हम जानते हैं अगला क्या है। कट मींस होता है काटना, मारना को हिट कहते हैं। ओके हिट मी, ओके आप कभी नहीं बोलेगा कि मुझे मारो, तो कैसे बोलेगा कि हिट मी। ओके तो हिट मैंने क्या होता है, मारना HIT, एक हिट मैंने गर्म होता है वो HEAT होता है। ओके तो आपको ध्यान रखना, ओके छोटी छोटी वर्ड से लेकिन इंपॉर्टेंस भर रही है। ओके चोट, चोट को होता है इंग्लिश में हर्ट, डोंट हर्ट मी। ओके उसके बाद होता है चलो, चलना का इंग्लिश में लेट कहते हैं। आप बहुत सारे से वर्ड्स होते हैं जो चलो को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, लेट, लेट मी गो। ओके बोलते हैं ना, रखना को इंग्लिश में पुट कहा जाता है। ओके ऐसे क्या होता है, मैं एक चीज को मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बताता हूं कि BUT बट, PUT पट। ओके BUT बट और PUT पट हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, पुट क्यों पढ़ते हैं, तो याद रखिए ये सब प्रोनाउंसिएशंस की है। आप जैसे BUT बट पढ़ते हैं, आपसे किसी से पूछ सकते हैं BUT बट होता है तो PUT पट क्यों नहीं होता है, पुट क्यों होता है। ओके तो आपको ये मैं आपको प्रोनाउंसिएशंस की क्लास में बहुत सारी चीज सिखाऊंगा। ओके तो आइए हम जानते हैं कि पुट मैंने क्या होता है, रखना, ठीक है ना, पुट ऑफ स्विच या बहुत से वर्ड आते हैं। बंद करना को इंग्लिश में शट कहते हैं और क्लोज भी कहते हैं, तो क्लोज वाला उस वीडियो में मैंने डाल दिया था, लेकिन यहाँ पर बंद करना का जैसे कंप्यूटर आप शट डाउन करते हैं। ओके तो शट हो गया, एक पढ़ना का होता है इंग्लिश रीड। अब आइए आपने इनकी तो V1 की फॉर्म आपको पता हो गई, अब V2 और V3 क्या होती है, बस कुछ नहीं करना है। ओके मैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं टोटल 9 ऐसे लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके V2 और V3 की बात की जाए तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि यही सिर्फ ऐसे 9 है जिसका रेगुलर वर्ब V1 भी वही होता है, V2 भी वही होता है, V3 भी वही होता है। कभी भी आप वॉइस बनाइए, नरेशन बनाइए, कोई भी सेंटेंस बनाइए, हैज एंड हैव दिख रहा है या बाज बेयर दिख रहा है या कुछ भी रहे, समझ में आ रहा है ना, तो आपको अगर प्रयोग करना हो वॉइस में, नरेशन में, तो इतने ऐसे 9 वर्ड है जिसका रेगुलर ही होता है। जैसे वेट का V2 वेटी होता है और V3 भी वेटी होता है, कॉस्ट का V3 कॉस्टी होता है, V3 भी क्या होता है, कॉस्टी होता है, V2 कट का कट होता है, V3 भी कट का कट होता है, हिट का हिट, हिट हिट। ओके हर्ट हर्ट हर्ट। ओके लेट लेट लेट, पुट पुट पुट। ओके सट सट सट। ओके एंड रीड रीड रीड। ओके आपकी बेहतरीन, ये टोटल 9 ऐसे वर्ब हैं जो आपके लिए रेगुलर वर्ब होते हैं। ओके तो ये टोटल रेगुलर वर्ब थे जो मैंने आपको डिक्शनरी से छाट छाट के मैं आपको सिखाया हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए, आप अपनी डायरियों में इसे लिख लीजिए, और ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो कि V2 क्या होता है, बेट का V2 क्या होता है, कॉस्ट का, कितना लोग कॉस्टेड कॉस्टेड लिख लेते हैं तो प्रॉब्लम्स हो पाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो से आपकी वर्ब की सारी वीडियो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके और जैसा कि ये पूरा वीडियो आपका वर्ब का क्लियर हो चुका है, कल से आप नए नए चीज सीखने वाले हैं, तो है ना ये कमाल की जानकारी गाय। तो ऐसे ही कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए आपके YouTube चैनल को जल्दी से फॉलो कीजिए ना, जल्दी से वीडियो शेयर कीजिए ना। ओके और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, लेकिन शेयर करना जरूर काम है गाय, आपकी एक ड्यूटी बनती है, सिर्फ शेयर करने में ना आपके पैसे लगते हैं ना लाइक करने में, तो जितना जल्दी इस वीडियो को जितना जल्दी हो शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट डे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ। बाय टू ऑल, बाय बाय।